फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपके ड्राई फिजी हेयर एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे और आपके जो दो मुहे बालों की प्रॉब्लम होती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके बाल सिल्की और शाइनी नज़र आएंगे। गाइज, विंटर्स के सीजन में हेयर का ड्राई होना, फ्रिजी होना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बना हुआ है और इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में एक मैजिकल सा इफेक्टिव सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि एलोवेरा से प्रिपेयर हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल #ritu12। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करें और वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद नहीं आते तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को लगता है मैं आपको कोई बढ़िया सी चीज़ें बताती हूँ, होम रेमेडीज़ अच्छी अच्छी बताती हूँ, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही आप साइड पर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में ड्राई फ्रिजी हेयर और दो मुहे बाल की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्मूथ सा मैजिकल सा घर की चीज़ों से ही बना हुआ एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको पार्लर के जो महंगे से ट्रीटमेंट होते हैं केराटिन ट्रीटमेंट्स उनके जैसा जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड्स, सबसे पहले आपको अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रेश एलोवेरा की लीव्स ले लेनी है और मेरे हेयर जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो मैं यहाँ पर ओनली एक एलोवेरा की जो लीफ होती है उसको ले लूँगी। और आपके हेयर्स ज़्यादा लॉन्ग हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 एलोवेरा की लीफ ले सकते हैं क्योंकि हम लोग जो ये हेयर मास्क बनाएंगे इसको अपनी पूरी हेयर रूट से लगा के पूरी हेयर लेंथ तक अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो एलोवेरा की लीफ को पानी से अच्छी तरीके से धुल लेना है ताकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी ना रहे और नाइफ की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से कट कर लेना है और जेल एक्सट्रैक्ट करना है। और मैंने यहाँ पर कॉम्ब की हेल्प से जेल को एक्सट्रैक्ट किया है। आप इसके पल्प को मिक्सर जार में डालकर भी किसका एक स्मूथ सा फाइन सा जेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट वाला भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जेल निकाल लिया है जो कि तकरीबन 1 बाउल के समथिंग्स है जो कि मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको बता दूँ कि एलोवेरा में विटामिन ABCE, मिनरल्स, पोटेशियम्स, आयरन, फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारी हेयर प्रॉब्लम्स को, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, हेयर्स को स्मूथ शाइनी सिल्की बनाने के लिए पूर्ण रूप से एक वरदान साबित होता है, बहुत बहुत लाभकारी होता है हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए। इसके बाद आपको सेम क्वांटिटी में फ्रेश योगर्ट लेना है। आप लोग जानते होंगे कि जो योगर्ट होता है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूँ, आपको फ्रेश कर्ड ले लेना है और उसको छन्नी से या किसी मलमल के कपड़े से छान लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो निकल जाए और आपके पास बिल्कुल गाढ़ा सा बचे, इसी को हम लोग योगर्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, दही जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड, प्रोबायोटिक्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, जो कि हमारे हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। अब आपको एक बड़ा बाउल लेना है, इसमें एलोवेरा जेल को और योगर्ट को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है और कम से कम 5 मिनट तक मिक्स करना है क्योंकि जो हमारा एलोवेरा जेल होता है बहुत ज़्यादा स्लाइमी होगा और तो इसमें योगर्ट को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप पेशेंस के साथ में इसको 5 मिनट तक इसको स्टर करते रहिए तो ये दोनों चीज़ें एक स्मूथली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपको इसमें 1 से 2 स्पून के समथिंग से मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करना है जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं, जो थोड़ा सा ठीक होता है पर विंटर्स के सीज़न में मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं करते हैं या आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोई सा भी फेवरेट ऑयल मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से आपको स्टर करते रहना, चलाते रहना है और जब मस्टर्ड ऑयल इस पेस्ट में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए तब आपको लास्ट में इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स 1 स्पून
कैस्टर ऑयल को मिक्स करना है जो कि थिक होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत स्पेशल ऑयल है, बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे ड्राई हेयर्स को और दो मुहे बालों की जो प्रॉब्लम हो रही होती है उससे प्रिवेंट करने में, उससे बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पूर्ण क्षमता रखता है, बहुत पोटेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो हेयर मास्क है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, हम लोग इसको अपने बालों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें और अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, फ्रिजी हो रखे हैं, तो आप यहाँ पर दो विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल होता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस हेयर मास्क को अपने हेयर पर अप्लाई करें। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको कॉम्ब की हेल्प से अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से डिटैंगल कर लेना है, सुलझा लेना है। और सुलझाने की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपको अपने नीचे के बालों को अच्छी तरीके से सुलझाना है, इसके बाद आपको अपने ऊपर से बालों को खींचते हुए नीचे की तरफ लाना है। इससे होता यह है कि हमारे हेयर्स जो होते हैं वो कम टूटते हैं। जब आपके बाल अच्छी तरीके से सुलझ जाए तब आप छोटे छोटे से हेयर पार्टीशन करिएगा और इस हेयर मास्क को पूरा हेयर की रूट से लगा के पूरा हेयर की एंड्स तक अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करने के बाद जब भी आपके हेयर्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए तब आप किसी रबर बैंड से या किसी क्लेचर से अपने हेयर्स का एक सॉफ्ट सा बन बनाइए, उसको सिक्योर कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसके बाद किसी पॉलीथीन से अपने हेयर्स को कवर कर सकते हैं ताकि जो मास्क है वो इधर उधर फैले ना। और इसके बाद आपको इसको पूरा एक घंटे तक अपने हेयर्स पर इसको रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, विंटर्स का सीजन है तो इस हेयर मास्क को आप उसी दिन बनाएं, उसी दिन आप अपने बालों पर अप्लाई करें जिस दिन धूप निकली हो, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, नहीं तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आपकी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब इस हेयर मास्क को रखने के बाद पूरा एक घंटा हो जाए तब आप अपने हेयर्स को शैम्पू की हेल्प से अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा। आप मानेंगे नहीं, ये हेयर मास्क इतना ज़्यादा पोटेंट होगा, इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा कि आपके हेयर वॉश करने के बाद आपको किसी कंडीशनर की, किसी हेयर सीरम की, किसी हेयर क्रीम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हेयर्स ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा हाइड्रेटेड दिखेंगे, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी सिल्की दिखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को पर लाइक कीजिएगा। और वीडियो इसके साथ ही अगर आप लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी होम रेमेडीज चाहते हैं सो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आप एक बार इस हेयर मास्क को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और अपने आसपास के लोगों को भी सजेस्ट करें कि आप इसे सिंपल सी चीज़ों से का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क बना सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस हेयर मास्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस को, सजेशंस को हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और हम लोग मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे से जो वीडियोज़ हैं उनको बनाएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, लव यू गाइज एंड टेक केयर।